स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। मॉनसून सत्र का पहला दिन ही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। तमाम सियासी मुद्दों के बीच इस बार फोन टैपिंग विवाद का मुद्दा सदन में ज्यादा धूल पकड़ रहा था, जिस पर बोलने से पहले ही मोदी सरकार ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी और ऐसा जवाब दिया कि हंगामे वाले नेता ही बिल में घुस गए। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा और राज्यसभा में तमाम मुद्दों पर विपक्ष हल्ला काटता रहा, सदन की गरिमा को भूलकर हंगामा करता रहा। इस बीच फोन टैपिंग विवाद के मुद्दे ने भी तूल पकड़ा और विपक्ष सरकार पर तनने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोदी सरकार भी विपक्ष को मात देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही विपक्ष ने फोन टैपिंग विवाद का मुद्दा उछाला और स्वतंत्र जाँच की मांग की, वैसे ही मोदी के मंत्री ने विपक्षियों की बोलती बंद कर दी। और लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप को गलत बता दिया। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि डेटा का जासूसी से कोई संबंध नहीं है, जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके तथ्य गुमराह करने वाले हैं और उसमें कोई दम भी नहीं है। फोन टैपिंग को लेकर सरकार का प्रोटोकॉल बेहद सख्त है और डेटा से ये भी साबित नहीं होता कि सर्विलांस किया गया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में दावा किया गया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से भारत में कई पत्रकारों, नेताओं और अन्य लोगों के फोन हैक किए गए। इस खुलासे के बाद सियासी पारा गर्म है। विपक्षी पार्टियां लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी हैं, लेकिन मोदी सरकार ने पहले ही इस मुद्दे पर विपक्ष की बोलती बंद कर दी और सरकार ने यह साफ कर दिया कि फोन टैपिंग के दावे खोखले हैं। मोदी सरकार का फोन टैपिंग को लेकर प्रोटोकॉल बेहद सख्त है और डेटा से ये भी साबित नहीं हो रहा कि फोन टैपिंग हुई है। आखिर क्या है ये पेगासस सॉफ्टवेयर, जिसे लेकर भारत में दूसरी बार विवाद शुरू हुआ और विपक्ष ने इसे भुनाने की कोशिश की, तो चलिए बताते हैं। पेगासस को दुनिया का सबसे खतरनाक जासूसी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। 2019 में व्हाट्सएप के कई यूजर्स की ट्रैकिंग के लिए पेगासस काफी चर्चा में था और दो साल बाद अब फिर से ये करीब 300 मोबाइल नंबर की जासूसी करने को लेकर चर्चा में है। इस बार विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की और आरोप लगाया कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए कई नेताओं, पत्रकारों के फोन टैपिंग हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसी किसी भी जासूसी से इनकार कर दिया। विपक्ष ने भारत में पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से लोगों के फोन हैक होने का मुद्दा सदन में उठाया, लेकिन मोदी सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया और केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप को गलत बताया और कहा कि इस पर लोग गुमराह करने वाले तथ्य पेश कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।